ग्वालियर शहर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के द्वारिकापुरी में रहने वाली महिला की उसके बेटे पिटाई कर दी और महिला को घर से भी निकाल दिया है। महिला ने इस घटना की पुरानी छावनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एएसआई अनूप भदौरिया जब महिला के बयान लेने उनके घर पहुंचे तो महिला के फौजी बेटे विक्रम सिंह तोमर और कौशलेंद्र सिंह तोमर ने एएसआई अनूप भदौरिया को भी जमकर पीटा और महिला के बयान नहीं देने लेने दिया है। इस मामले में पुरानी छावनी पुलिस ने दोनों बेटों के खिलाफ में महिला के साथ मारपीट करने के साथ ही एएसआई अनूप भदौरिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। ये कल की घटना है। एक फौजी हैं जिनका नाम विक्रम सिंह तोमर है और उनका जो छोटा भाई है कौशलेंद्र, इनके द्वारा अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की सूचना उनकी मां के द्वारा थाने में दी गई थी। इस संबंध में पुलिस ने उनकी रिपोर्ट को लेकर समझाने के मकसद से सब इंस्पेक्टर जो है अनूप भदौरिया और उनके साथ कुछ अन्य पुलिसकर्मी जब विक्रम सिंह के घर पहुंचे और उनको इस बात की समझाइश दी गई कि उन्हें अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसी बीच में उत्तेजित होकर विक्रम सिंह और उनके भाई कौशलेंद्र ने अनूप भदौरिया और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। अनूप के साथ हाथापाई भी की। इस संबंध में दो अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं, एक उनकी मां की तरफ से बेटों के विरुद्ध कायम हुआ है और एक एएसआई अनूप सिंह की तरफ से भी दोनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ है। पुलिस ने नियमानुसार इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्य के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी के संबंध में नोटिस शामिल करा दिया है। आगे इसमें अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और विक्रम सिंह के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए उनकी यूनिट को लिखा जाएगा।